न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hello everybody and welcome back to the channel once again. Now we are also on Instagram with the name Sing Creation Education, the same name which is on YouTube, so that we all can connect. And if you have any questions related to any of the chapter, you can ask me out there. So for any update related to notes or the videos, lectures, you can follow me up there. So what are you waiting for? Let's go and follow. Hello everybody and welcome back to the channel once again. As you all know that we have already completed 7 parts of the chapter Molecular Basis of Inheritance, and in this video I will be completing part 8 of this chapter. So agar aapne wo parts nahi dekhe hain to description box mein link given hai, wahan se jaake aap genetics ka chapter number 5 and ye baki ke jo parts hain un sabhi ko aap padh sakte hain taki aapko is part ka pura profit mile. Okay, so aaj ka hamara topic hai translation. Translation generally hota kya hai? Isse pehle humne मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इस चैप्टर में पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि हम जानेंगे किस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, कि डीएनए किस तरीके से एक बेसिस है इनहेरिटेंस का. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब कैरेक्टर्स जाते हैं तो वो डीएनए ही क्यों ऐसा काम करता है, राइट? तो इससे पहले हमने पढ़ा रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसमें डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था. उसके बाद आया ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, जिसके अंदर हम यहाँ देखते चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले आया आपका डीएनए, राइट? डीएनए के अंदर क्या हुआ? डीएनए के अंदर हुआ रेप्लिकेशन, उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया. उसके बाद हुआ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? आरएनए. ठीक है, मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ फॉर ट्रांसक्रिप्शन. उसके बाद अब जो प्रोसेस है वो है आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होना. तो ये जो प्रोटीन बनेगा ये किस प्रोसेस की मदद से बनेगा वो हम ऑरेंज टी को लिख देते हैं, विच मीन्स ट्रांसलेशन से. तो जनरली यही एक सिंपल चीज़ है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसके लिए उस प्रोसेस का नाम रखते हैं ट्रांसलेशन. ओके, सो अब देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है. ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. ट्रांसलेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यानी कि अमीनो एसिड की मदद से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए. ये पहले भी आपको बताया था मैंने कि जितने टीआरएनए होंगे, हर एक टीआरएनए स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए. तो अगर समझ लीजिए 20 तो नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, अगर आपके 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, 20 आपके अमीनो एसिड है, तो हर एक अमीनो एसिड स्पेसिफिकली अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जाके कनेक्ट हो जाएगा. वो कैसे? कुछ ऐसे समझ लो, ये जो अमीनो एसिड है ये इसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, तो इसका क्या हो गया? ये टीआरएनए हो गया स्पेसिफिक. ये अमीनो एसिड इसके साथ जाके कनेक्ट हुआ. तो अगर 20 और ये वाला इसके साथ मान लो, ठीक है, और ये वाला जो अमीनो एसिड है वो इसके साथ, तो इट मींस अगर 20 अमीनो एसिड हैं तो किसके साथ जाके कनेक्ट होंगे? 20 20 ही प्रेजेंट होंगे हमारे टीआरएनए और उसके साथ जाके वो कनेक्ट होंगे, राइट? तो ये चीज़ एक और याद रखनी है आपको. द अमीनो एसिड्स आर जॉइंट बाय अ बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. जो अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे से जॉइन होते हैं आपस में. एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जॉइन होगा और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम? इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना है तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी, राइट? और वो एनर्जी के सोर्स क्या क्या होंगे? जीटीपी एंड एटीपी. देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. जो पहला फेज होता है तो अमीनो एसिड अपने आप खुद को एक्टिवेट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी. ठीक है, एडेनिन प्रेजेंस में द लिंक एंड लिंक टू देयर कोऑर्डिनेट टीआरएनए. और किससे जाके लिंक हो जाती हैं? टीआरएनए से. यहाँ पर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कि अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से जाके वो लिंक हो जाएंगी. अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने के लिए एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्रांसलेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वो रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? एक होता है आपका एमआरएनए, दूसरा रिक्वायरमेंट होता है आपका टीआरएनए, थर्ड रिक्वायरमेंट होता है आपका आरएनए, फोर्थ रिक्वायरमेंट इससे लिख देते हैं आरएनए के बाद जो फोर्थ है वो है राइबोसोम
फिफ्थ आपकी रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड, ठीक है, ये है आपके अमीनो एसिड. सिक्स्थ आपकी रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी सोर्स, ठीक है. एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है, एटीपी हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, राइट. तो ये जो है ये सारी रिक्वायरमेंट है आपके ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कराने के लिए, ओके. अब इसके बाद क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो इनमें जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो आपके राइबोसोम होते हैं, इसकी भी ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं. वो यूनिट, सो जनरली राइबोसोम जो होता है वो दो यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, राइट. जस्ट लाइक वन इज 70S एंड द अदर वन इज 80S यूनिट. इसके बाद इन यूनिट्स के बाद राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि ये जो 70S है और ये 80S, ये भी आगे दो यूनिट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि 50S एंड 30S, और जो 80S है वो डिवाइडेड है 60S एंड 40S में, राइट. तो हमेशा याद रखना कि जो ये ज़्यादा वाला होता है, जो लार्जर अमाउंट में होता है, उसको बोलते हैं लार्ज यूनिट. उसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज यूनिट, ठीक है. और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल यूनिट, ठीक है. अब ये लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट क्या है ये आपको दिखाते हैं अभी, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट होता है और क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है. तो ये जो है ये है आपका लार्जर यूनिट, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. इसको इरेज करते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा, ठीक है. इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे बैंड बना लीजिए. तो ये वाली जो जगह है इसको ई साइट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये होती है एग्जिट साइट. उसके बाद ये वाली जो है ये है पी साइट, बिकॉज ये प्रमोटर साइट होती है. उसके बाद ए साइट, ए साइट फॉर व्हाट, अमीनो एसाइल, ठीक है, अमीनो एसिड के लिए होती है ये बाइंड अप के लिए, तो इसको बोलते हैं ए साइट, ओके. तो हमेशा याद रखना लार्जर यूनिट में ये सारा काम होता है, और जो कि स्मॉलर यूनिट होती है ना उसके अंदर ये काम नहीं होता है, वो कुछ दिखने में कुछ ऐसी होती है जो आपको आगे डायग्राम्स में समझ आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई. अब आया पहला प्रोसेस. पहला प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन के अंदर कि एक्टिवेट कराना क्या होता है, मैं प्रोसेस वाइज समझाने वाली हूँ, प्लीज मेक श्योर आप समझे. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराना है. तो हमारे पास टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड, राइट. 20 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से अब उन्हें एक्टिव कराने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी. तो आप एनर्जी प्रोवाइड करिए, अमीनो एसिड प्लस एटीपी, आपने एनर्जी प्रोवाइड की और रिएक्शन करवाई. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन होगी अमीनो एसाइल, याद रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, टी आर एन ए, और नीचे आप रखिए सिंथेटेस, ठीक है, सिंथेटेस लिखिए. तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा अमीनो एसाइल, ठीक है, ए एम पी एंजाइम, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस पी पी, ठीक है. याद रखिएगा कि ये जो आपकी जो रिएक्शन है ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होगी अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराने के लिए. अब जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद होगा आपका ये वाला प्रोसेस जो आपने यहाँ पर देखा है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है. जो अमीनो एसिड एक्टिवेट होने की चीज़ है, जो प्रोसेस है, वो इन्होंने बस इतना बता दिया कि अमीनो एसिड अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी और लिंक कर जाता है टीआरएनए के साथ. और ये टीआरएनए के साथ जब लिंक करता है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. और ये अमीनो एसाइलेशन कहाँ से आया ये आपको पता चल गया है आपकी रिएक्शन की मदद से, राइट. तो अब हम दूसरा वाला जो हमारा प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं, विच इज चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए, ठीक है, विच इज लोडिंग, एक और शब्दों में इनको बोल सकते हैं लोडिंग ऑफ टी आर एन ए. जैसे हम ट्रक को लोड करते हैं उसी तरीके से जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये जो टी आर एन ए है वो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं, वो सिर्फ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ही इनटेक करते हैं, राइट. उसके बाद अब हम आते हैं कैसे करेंगे. जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था लास्ट रिएक्शन में, अमीनो एसाइल ए एम पी एंजाइम
कॉम्प्लेक्स, राइट, सी लिख देते हैं। इसके साथ आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए आपका टी आर एन ए पे आपको बाइंड अप कराना है ना, तो टी आर एन ए पे हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा अमीनो एसाइल टी आर एन ए कॉम्प्लेक्स, मैं सी लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स के लिए, प्लस ए एम पी एंजाइम, ठीक है, प्लस ए एम पी एंजाइम। अब क्या हुआ कि हमारा अमीनो एसाइल टी आर एन ए रेडी है, यानी कि टी आर एन ए जो है वो लोडेड हो चुका है विद वॉट, विद अमीनो एसिड्स, ओके। और एक आपका एंजाइम बना है जो कि है ए एम पी एंजाइम, तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस खत्म हो गया चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए। इफ टू सच चार्ज टी आर एन ए आर बॉट क्लोज इनफ, अगर ऐसे दो चार्ज आर एन ए को, सॉरी टी आर एन ए को ज्यादा पास लेके आए तो फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, उन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जो कि एनर्जी की वजह से फॉर्म हुआ है, जैसे कि एटीपी की वजह से। यस, द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है, राइट, तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा जल्दी हो जाती है, ज्यादा फास्ट रेट पे होती है। कैटलिस्ट का काम आप सभी को पता है क्या होता है, कि रिएक्शन को फास्टर रेट पे कराना, तो अगर इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो आपकी जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो जल्दी होगी बिटवीन टी आर एन ए, राइट। नेक्स्ट आते हैं, द सेल्यूलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम, जो आपकी राइबोसोम जो है, राइबोसोम इज द मेन थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, प्रोटीन बन सके, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज नोन एज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आपका नेक्स्ट जो आने वाला है प्रोसेस वो है इनिशिएशन ऑफ, हम यहाँ पर समझते हैं उसके बाद एनसीईआरटी पर जाएंगे कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू होना, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कि एक तो आपको चाहिए 30S एंड 50S के सब यूनिट, मतलब ये सब यूनिट खुद हैं, ये आपको चाहिए राइबोसोम के कुछ सब यूनिट चाहिए, वो कौन सी है, 30S एंड 50S, ओके। और आपको क्या चाहिए, GTP, ठीक है, क्या चाहिए आपको, GTP। उसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए जो कि है Mg+2, मैग्नीशियम प्लस टू स्टेट में, ऑक्सीडाइज में, राइट। उसके बाद आपको चाहिए चार्ज्ड, जो आपको पिछले प्रोसेस से आपको चार्ज टी आर एन ए ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। अब आपको चाहिए mRNA जो आपके पास ऑलरेडी है, मैसेंजर RNA, और एक और चीज़ चाहिए जो कि है इनिशिएटिंग फैक्टर, जिसको आप IF भी कहते हो, राइट, इसको आप IF भी कहते हो, राइट। और एक और चीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ से ऐसे बना के दिखा देती हूँ, जो कि है आपको जाननी ज़रूरी है कि जो पहला कोड होता है mRNA का, फर्स्ट कोड ऑफ mRNA विल ऑलवेज बी AUG। मैंने आपको हमेशा बोला था कि जब भी जो स्टार्टिंग कोडॉन होगा वो हमेशा क्या होगा, AUG, ओके। और स्टॉपिंग कोडॉन आप बाद में देख लेना, जो UAA करके UAG करके होता है, बट हमेशा जो स्टार्टिंग कोडॉन है वो होगा आपका AUG, रिमेंबर, ओके। सो यहाँ पर इतना हम पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। राइबोसोम जो है उसके पास स्ट्रक्चरल आरएनए होते हैं और 80 डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स बने हुए होते हैं। अब क्या है कि वो जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव स्टेट में है, इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट, वो दो सब यूनिट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये है लार्जर सब यूनिट और ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट, ओके। तो ये जो दो फॉर्म में प्रेजेंट है, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट, व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स द mRNA, जब भी जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ये वाली सब यूनिट जो इसको जब भी कोई mRNA मिलता है, ठीक है, mRNA के सामने आती है, तो प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। जब mRNA, जब जो हमारा स्मॉलर यूनिट है वो कॉन्टैक्ट में आता है mRNA के, तो प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रांसलेशन का, विच मीन्स कि mRNA जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा प्रोटीन के अंदर, राइट। दीज आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट, यहाँ पर दो साइट्स होती हैं लार्ज सब यूनिट्स के लिए, फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड टू दस
बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी दो सब यूनिट्स हैं, एक तो जहाँ पर वो अमीनो एसिड जो है आके अटैच हो जाए, ठीक है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर अमीनो एसिड आके अटैच हो गया है टीआरएनए के साथ, ओके। और यहाँ पर क्या होगा कि टीआरएनए के साथ अटैच होने के बाद जब टीआरएनए यहाँ पर इसको अमीनो एसिड को छोड़ेगा तो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो यूनिट्स हो गई, यहाँ पर दो साइट्स हो गई जो कि सब यूनिट के अंदर, लार्जेस्ट सब यूनिट के पास प्रेजेंट होती है। ये जो आप देख रहे हो ये वैलिन के साथ जो ये यहाँ पर बना रहे हैं बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है जनरली पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में ये है पेप्टाइड बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो 23S आरएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर वो होता है राइबोसाइम, ठीक है। तो राइबोसाइम कैसे बनता है, राइबोसोम की मदद से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर राइबोसाइम नहीं होगा 23S आरएनए के पास, अगर राइबोसोम नहीं होगा और राइबोसोम अगर अपना एंजाइम नहीं बनाएगा विच इज राइबोसाइम, तो यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो पाएगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का, ओके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए। अब हम कहाँ थे, हमने अब तक क्या कर लिया कि हमने इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के रिक्वायरमेंट्स देख लिए, राइट। और पहला देख लिया, दो यहाँ पर आप देख सकते हो दो तरीके से डिवाइडेड होता है, पहला होता है 30 के लिए और 30S सब यूनिट के लिए जो कि एमआरएनए के साथ आएगी, उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एमआरएनए का तो उसको हम मिलाएंगे फॉर्माइल मिथियोनाइल के साथ, ओके, ताकि 70S एमआरएनए को हम बना सके। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, याद ध्यान से देखिएगा, 30S की सब यूनिट, ओके, प्लस मैं 30S सब यूनिट ना लिख के यहाँ पर सिर्फ 30S लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा, आपको पता है कि सब यूनिट है ये, प्लस एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटिंग फैक्टर, ठीक है, और Mg+2, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 30S mRNA, बिल्कुल दोनों मिक्सअप हो जाएंगे बट कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज रिमेंबर कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आपके सेकेंड प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस था, सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, हम इसको रिएक्टेंट मान लेंगे, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स प्लस, मैं कॉम्प्लेक्स को ऐसे ना लिखकर सी लिखना चाहूँगी अगर आप लोग समझ जाएं, क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स, अब इसके बाद प्लस कर दो आप फॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपने mRNA कॉम्प्लेक्स ले लिया और tRNA कॉम्प्लेक्स ले लिया विद फॉर्माइल मिथियोनाइल। तो इसको अगर आप कराओगे, रिएक्शन कराओगे विद इनिशिएटिंग फैक्टर 2 एंड इनिशिएटिंग फैक्टर 3, और किसकी प्रेजेंस होती है, Mg+2 की, राइट, और GTP आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ GTP। तो जब GTP के प्रेजेंस में करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ बना के दिखाऊंगी, आप लोग प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा और प्लीज़ नोट करते जाइए। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 30S mRNA फॉर्माइल, नीट लेवल का हो रहा है ये, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से समझें, मिथियोनाइल, ठीक है, आरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, ये आपका बन गया, ये आपका आ गया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को भी आपको भाई बनाना है रिएक्टेंट के फॉर्म में, कि इसके बाद हमें 70S मिल जाए। 70S कैसे मिलेगा, वो मिलेगा 50S के प्रेजेंस में, दूसरी सब यूनिट यूज़ करिए और Mg+2 यूज़ करिए, ठीक है, दोनों को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 70, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये बना देते हैं, आपको मिलेगा 70S mRNA फॉर्माइल मिथियोनाइल tRNA कॉम्प्लेक्स, ओके। याद रखिएगा कि 70S कैसे आया इतने सारे प्रोसेस के बाद, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन द mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडोन AUG एंड द स्टॉप कोडोन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। नाउ व्हाट इज दिस फ्लैंक्ड, समझ लीजिए आपके पास ये तो आपकी स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के बाद ये है आपका 5 प्राइम,
ये है आपका 3 prime, को पहले बताया था 5 से 3 ही हमेशा उसकी डायरेक्शन होगी। तो 5 prime के पास यहाँ पर ये जो है स्ट्रक्चर और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को छोड़ के जो पहला कोडोन जो स्टार्ट करता है, पहला कोडोन जो प्रोसेस स्टार्ट करता है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो यहाँ से करेगा। और ये जो पार्ट छूटा हुआ है इसी को बोला गया फ्लैंक्ड। AUG कहाँ से लगेगा, यहाँ से। और आपका ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो आपका UAG वगैरह करके लगता है, स्टॉप कोडोन जो लगते हैं ये जनरली यहाँ से लगते हैं। तो ये जो पार्ट छोड़ा हुआ है इस पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक्ड, ठीक है, फ्लैंकलिंग जो पार्ट होता है यहाँ से। ये क्या होता है, सोच सकते हो आप स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वाला पॉइंट जिसको छोड़कर, इतना पार्ट छोड़ के यहाँ से AUG स्टार्ट कोडोन शुरू करता है, इनिशिएशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर mRNA हैज ऑल्सो सम एडिशनल सीक्वेंसेज। mRNA के पास भी कुछ एडिशनल सीक्वेंसेज होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं और उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ओके, नेक्स्ट है द UTRs आर प्रेजेंट एट बोथ 5 prime एंड, जो कि UTR क्या है यहाँ पर, जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन है, जो कि मैंने आपको बताया फ्लैंक्ड रीजन, वो 5 end के भी पहले होता है स्टार्ट कोडोन के पहले और 3 end यानी कि स्टॉप कोडोन के बाद भी होता है। और ये जरूरी होते हैं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सके, बिकॉज एक पर्टिकुलर रीजन में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। ओके, फॉर इनिशिएशन, अब आया आपका इनिशिएशन का प्रोसेस, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वही चीज यहाँ पर आपको ये बताएंगे। द राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA, जो मैंने आपको बताया अभी रिएक्शन के थ्रू वो यहाँ पर ये लिख कर बता रहे हैं कि राइबोसोम जो है बाइंड करता है mRNA के साथ एट द स्टार्ट कोडोन जो कि AUG है, जिसको रिकग्नाइज करते हैं बाय इनिशिएटर tRNA। ओके, द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज तक वो प्रोसीड करता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, प्रोटीन को बनाना शुरू करता है। और इस स्टेज के टाइम पे, इलोंगेशन के फेज के टाइम पे, कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू tRNA, जो आपका mRNA या tRNA का कॉम्प्लेक्स बना था, आप कह सकते हो mRNA का कॉम्प्लेक्स जो बना था वो tRNA के साथ यहाँ पर लिंक कर जाता है। सीक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन इन mRNA बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, जो tRNA का एंटीकोडोन था उसके साथ कोडोन का बेस पेयर बनाएंगे, राइट। एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी का क्या मतलब होता है, उसका बिल्कुल अपोजिट कोडोन बनाया उन्होंने। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम द कोडोन टू कोडोन अलोंग विद क्या, mRNA। राइबोसोम जो है वो मूव करता है एक कोडोन से दूसरे कोडोन किसके साथ, mRNA के साथ। अमीनो एसिड आर एडेड 1 by 1, हर एक अमीनो एसिड एक एक करके वहां पर एड होता जाता है एंड ट्रांसलेटेड इंटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय DNA एंड रिप्रेजेंटेड बाय mRNA। एट द एंड एक रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन, एक रिलीज फैक्टर। अब देखो प्रोसेस तो हो चुका है, राइबोसोम जो है वहां पर प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन अब कोई ना कोई चाहिए उस स्टॉप कोडोन को इनिशिएट करने के लिए, स्टॉप कोडोन को बताने के लिए कि भाई अब प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का वो एंड करना है, प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है। तो एक रिलीज फैक्टर को यूज किया जाता है जो कि बाइंड अप कर जाता है जाके स्टॉप कोडोन के साथ और उस प्रोसेस को एंड करता है, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन, टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन को, एंड कर देता है एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। जो पॉलीपेप्टाइड है प्रॉपर वो आपको राइबोसोम में मिल जाती है। अब आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर समझ में आएगा कि ये आपके दोनों tRNA हैं। tRNA किसके साथ जाके पढ़ेंगे, ये वाला जो mRNA है, इस mRNA के कोड्स जो लिखे हुए हैं इनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी बनाए, जो मैं हमने अभी देखा था tRNA वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी बना लिए, ठीक है, अपोजिट बना लिए। उसके बाद क्या होगा कि tRNA यहां से जो लेके आ रहा है, tRNA यहां से जो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है वो यहां पर छोड़ देता है और यहां पर छोड़ने के बाद यहां से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, tRNA बाहर निकल जाएगा और जो अमीनो एसिड है उसको वो लार्ज यूनिट में ही छोड़ जाएगा और ये एक एक करके यहाँ पर ऐड होती जाती हैं और जैसे जैसे ये ऐड होती जाती हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, यानी कि प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। एज यू ऑल नो कि प्रोटीन के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि ये अमीनो एसिड कौन लेके आया, tRNA, और tRNA लार्ज यूनिट के अंदर छोड़ दिया उनको और वो खुद बाहर निकल जाता है और इनके बीच में जो ये एंड वाले जो एक रिजॉल्व कर देते हैं, जो ये एंड वाले स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो एंड अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखता है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब आपका जो हमने NCERT में पढ़ा उसको मैं एक बार समझाना चाहूँगी कि इलोंगेशन और टर्मिनेशन मेरी लैंग्वेज में, जो कि मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाना चाहूँगी, कि अब आया आपका इलोंगेशन जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू हुई, बड़ी चेन बननी शुरू हुई। इसका मतलब क्या क्या होगा, पहले तो कोडोन्स की ज़रूरत होगी, mRNA के कोडोन्स की ज़रूरत होगी जो बनने शुरू होते हैं mRNA के साथ, एंटीकोडोन जो प्रेजेंट था उसके साथ कोडोन भी प्रेजेंट हुए, ये वाला कंडीशन।
हाँ ये वाला कंडीशन देखो, ये इन्होंने खुद बनाया है इसको पढ़कर, ओके। उसके बाद सेकंड चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड होगा 5'-3' मूवमेंट होगी, और एंजाइम क्या होगा, एंजाइम होगा पेप्टाइडाइल ट्रांसफ्रेज, ठीक है, पेप्टाइडाइल ट्रांसफ्रेज जो कि एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़कर रखता है, पॉलीपेप्टाइड जो हमारा बॉन्ड होता है, सॉरी नॉट पॉलीपेप्टाइड, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके फॉर्मेशन में एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो हमारा एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफ्रेज, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा प्रोसेस है जो एकदम लास्ट है, वो है टर्मिनेशन, जो हमने अभी हमारी उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बना लिया हमने। पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए सबसे पहली बात है आपको चाहिए स्टॉप कोडोन, वो स्टॉप कोडोन क्या हो सकते हैं, UAA, UAG एंड UGA, राइट। दूसरी चीज जो है वो है आपको चाहिए राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो बंद कर दे प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी आपको प्रोसेस चाहिए। ये आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ पूरा सिर्फ पॉइंट वाइज, जो आप इजीली याद कर पाओ, राइट। उसके बाद है एक रिलीज फैक्टर चाहिए आपको, क्या चाहिए, रिलीज फैक्टर, ताकि आप टर्मिनेट कर सको पॉलीपेप्टाइड चेन को। उसके बाद रिलीज फैक्टर के बाद आपको फोर्थ नंबर पे क्या चाहिए, राइबोसोम गेट डिसोशिएटेड, ठीक है, राइबोसोम जो है वो डिसोशिएट हो जाए, यानी कि लार्ज यूनिट से बाहर निकल जाए ताकि प्रोटीन सिंथेसिस कर ही ना पाए, ठीक है, सब यूनिट्स के पास चला जाए वो। उसके बाद आप फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो समझ सकते हो कि होनी चाहिए, जो mRNA है इज डिस्ट्रॉयड, mRNA जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो tRNA है वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी कोडोन ना बना पाए mRNA के साथ, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए किसकी मदद से, एक RNase इसकी मदद से, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्रॉपर ट्रांसलेशन का एक्सप्लेनेशन, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, और ये जो है ये सारे जो प्रोसेस हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं विद डायग्राम, कि यहाँ पर किस तरीके से अमीनो एसिड जाके tRNA से मिलता है राइबोसोम के साथ, और जो tRNA है वो किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने में हेल्प करता है, लार्ज यूनिट के अंदर जो अमीनो एसिड है उनको छोड़ता है और खुद बाहर निकल जाता है, और उसके बाद जो दो अमीनो एसिड है उनके बीच में बॉन्ड होगा विच इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद एक आपको फैक्टर चाहिए होगा रिलीज फैक्टर, ताकि आप टर्मिनेट कर सको ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, ओके। तो यही यहाँ पर सेम दिया हुआ है विद सम डायग्राम्स, आप प्लीज समझ लीजिए, और अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ट्रांसलेशन तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और विद दैट सेट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार नहीं बोलती हूँ मैं, तो बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। विद दैट सेट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।